हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के सदर पुलिस ने उत्पात मचाते हुए स्मैकियों पर कार्यवाही करते हुए एक स्मैकियों को हिरासत में लिया है। सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक पुलिस को इतला मिली कि रामनगर में बिना नंबर स्कॉर्पियो लगातार चक्कर काट रही है। ऐसे में सदर पुलिस के हेड कांस्टेबल दिनेश एवं गौतम ने स्कॉर्पियो का पीछा किया तो स्कॉर्पियो चालक सिंधरी चौराहे की तरफ भाग ले गया। पुलिस ने पीछा कर खियाराम निवासी जागड़ी को हिरासत में लिया है। वहीं स्कॉर्पियो चालक सहित दो नशेड़ी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं हिरासत में लिए गए आरोपी से भी गहनता से पूछताछ जारी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सदर के थाना अधिकारी अनिल कुमार इन्होंने ये कहा, थाने पे कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि रामनगर में एक काले कलर की स्कॉर्पियो और काले ही कांच है और दो चार बार इधर उधर चक्कर लगा रही उस कॉलोनी के चारों तरफ। तो इस सूचना पर मैंने हेड कांस्टेबल दिनेश चौकी इंचार्ज को और हमारे गौतम प्रसाद हेड कांस्टेबल जो ऑलरेडी बाहर ही था उसको सूचना दी। तो फिर दिनेश और उन्होंने साथ मिलकर उसका स्कॉर्पियो का पीछा किया तो वो गाड़ी भगा के इधर सिंदरी चौराहे की तरफ ले आया। उस समय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो स्कॉर्पियो नहीं रुकी और उसमें से निकल के एक व्यक्ति भगा जिसका पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसे नाम पता पूछा तो खियाराम अपना नाम बताया, जिससे पूछताछ जारी है और उसके हाव भाव से उसके उससे लग रहा है कि वो स्मैक का या एमडी का कोई नशा किया हुआ है और नशे के लिए वो इधर घूमते हुए उत्पात मचा रहे थे। इससे पूछताछ के आधार पर ये लगा कि वो भी स्मैक का नशा करने वाले ही थे और उसी की चीज़ की तलाश कर रहे थे कहीं मिल जाए। और उस स्कॉर्पियो के पीछे अभी हमने टीम भेजी है, प्रयास कर रहे हैं कि वो पुलिस के कब्जे में आ जाए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।